नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मायावती को बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव से पहले। दरअसल बीएसपी के दिग्गज सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है और खुद राज्य के डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। इस दौरान जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने न सिर्फ मायावती की पार्टी बीएसपी पर जोरदार तरीके से हमला बोला, बल्कि मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं। बता दें कि ये वही रितेश पांडे हैं जो कि कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ संसद भवन में लंच करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद सही कयास लगाए जा रहे थे। और आज ही सुबह यह खबर आती है कि उन्होंने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया और देखने को मिला कि वो इस्तीफा देने के बाद ही तुरंत बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक ओर जहां राजनीतिक दल प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवार भी अब जिताऊ पार्टी की तलाश में जुट चुके हैं। उधर लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को एक के बाद एक करारा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पहले अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नजदीकी के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि अंबेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रभारी वैजयंत पांडा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। पांडे ने आज ही बीएसपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दिया था। इसके बाद जहां वो बीजेपी में शामिल हुए, तो उन्होंने मायावती और उनकी पार्टी को लेकर के जमकर लताड़ लगाई, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। एक बार सुनिए कि आखिर बीजेपी में शामिल होते ही रितेश पांडे क्या कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 15 साल से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करता आया और मुझे बहुजन समाज पार्टी से तमाम कुछ सीखने को मिला है और तमाम मदों में मुझे कुमारी मायावती जी ने उसका नेतृत्व करने का भी प्रदान किया है, चाहे एमएलए रहा हूँ और चाहे सांसद। उनकी सोच पर और उनकी गतिविधियों पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। मेरे मुझे जो विस्तार से अपनी बात रखनी थी वो मैंने अपने पत्र के माध्यम से आप सभी के पास वो उपलब्ध है और उससे मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से साफ है कि मैंने अपनी सदस्यता से बहुजन समाज पार्टी की क्यों त्याग पत्र। प्रमुख रूप से क्या कारण रहे हैं? हमेशा से ये सवाल उठता है टाइमिंग को लेकर कि ये लोकसभा की टाइमिंग है, इस वक्त आप ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपके मन में विकसित भारत की परिकल्पना थी, आप मोदी जी के योजनाओं से प्रभावित थे, आगे आप बढ़ना चाह रहे थे, तो आप लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं आए? लोकसभा चुनाव के दौरान क्यों? देखिए, जो कुछ भी मेरे क्षेत्र में हो रहा है वो पिछले 5 सालों और इन 5 सालों में जो सारी चीजें हुई है उसको देखते हुए, ये एक दिन के अंदर नहीं हुआ है, ये पिछले 5 सालों के अंदर धीरे धीरे इन प्रयासों को हम धरातल पर देखने का कार्य कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब उसका मूल्यांकन होगा तो एक स्वाभाविक रूप से एक लंबे समय का मूल्यांकन, और उस मूल्यांकन को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अंदर अगर आज दो औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं और उसके साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और तमाम विद्यालय, स्कूल और आवास योजनाएं जो कि धरातल पे देखने को मिलता है, अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर जो उसको कनेक्ट करते हुए जो फोर लेन बनारस तक जा रहा है वो भी मेरे क्षेत्र से जाने का कार्य कर रहा है, उसके इर्द गिर्द हमें विकास देखने को मिलता है और लोगों की आर्थिक स्थिति में, किसानों की आर्थिक स्थिति में, गरीब वंचित दलित महिलाओं की आर्थिक स्थिति में हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये सारी की सारी योजनाएं और ये सारी की सारी नीतियां उनके जीवन स्तर को बेहतर करने का काम कर रही है। और ये निरंतर हमारी जो हमारा उद्देश्य रहा है, हमारी लड़ाई रही है, वो यही रही है कि अम्बेडकर नगर के लोगों को लेकर के, प्रदेश के लोगों को लेकर के, वंचित दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, हम उनको आगे बढ़ने का काम करें और उनको विकसित होते हुए देखें।
और ये सारी चीजें हमें जमीनी स्तर पर। आपको बता दें कि नीतीश पांडे उन 9 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान संसद भवन की कैंटीन में लंच किया था। कहा जा रहा है कि बीजेपी रितेश पांडे को अम्बेडकर नगर से ही टिकट दे सकती है। राजनीतिक परिवार से आने वाले रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। मायावती को भेजे अपने इस्तीफे में रितेश पांडे ने साफ लिखा, जब मैंने बीएसपी ज्वाइन की तो आपका मार्गदर्शन मिला और पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने मुझे हर संभव सहयोग दिया। पार्टी ने मुझे यूपी विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और संसदीय दल के नेता के रूप में कार्य करने का अवसर भी दिया। इस विश्वास के लिए मैं आपके और आपके पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही उन्होंने लेटर में आगे ये भी लिखा कि लंबे समय से मुझे ना तो पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा था और ना ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा था। मैंने आपसे तथा शीर्ष पदाधिकारियों से संपर्क करने के लिए, भेंट करने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस दौरान मैं अपने क्षेत्र में लोगों से और पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार मिलता रहा। मैं इस निष्कर्ष पर चुका हूं कि पार्टी को मेरे सेवा और उपस्थिति की अब कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरे पास पार्टी से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। पार्टी से नाता तोड़ने का फैसला भावात्मक रूप से कठिन फैसला है। आपसे आग्रह है कि मेरे इस त्याग पत्र को अविलंब स्वीकार किया जाए और मैं आपके पार्टी के प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं तथा शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हालांकि जिस तरीके से रितेश पांडे ने पहले बीएसपी से इस्तीफा दिया, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, इस दौरान एक के बाद एक कई सारे बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से देखने को मिली, जहां पर वो पार्टी के सांसद के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है उसके खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए भी नजर आई हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बार आप ये सुन लीजिए कि आखिर जब रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी के आला नेताओं ने इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के क्या कहा है। रितेश पांडे जी के बारे में कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। रितेश पांडे जी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोकसभा के अंबेडकर नगर से सांसद हैं। इससे पहले आपने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है, मेधावी छात्र रहे हैं, बाल्यकाल से ही आपका जीवन सामाजिक कार्यों के साथ साथ पढ़ाई में लगा और अपने पिताजी श्री राकेश पांडे जी जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और पूर्व में लोकसभा के भी सदस्य अंबेडकर नगर से रह चुके हैं, उनके साथ काम करते करते सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते लेते आप लोकप्रिय होते गए और अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए। रितेश पांडे जी के संबंध में ये विशेष उल्लेखनीय बात यह है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर देश और प्रदेश में काम किया और विकसित भारत की संकल्पना रखी, तो उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास, देश का चतुर्मुखी विकास जिस गति से हो रहा है और विकसित भारत के साथ चलने के लिए रितेश पांडे जी ने तय किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उनके मार्गदर्शन में देश के लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान आज माननीय मोदी जी को अपना नेता मानते हुए उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैं रितेश पांडे जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि जिस ढंग से रितेश पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्य बनकर के एक बड़ा साहसिक कदम उठाया है कि देश में विकसित भारत की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखी है उस दिशा में पूरे प्रदेश के नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे, मैं रितेश पांडे जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती रितेश पांडे के इस्तीफा देने के कुछ देर बाद अपने आधिकारिक एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट करती हुई नजर आई। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है। इस कारण इस पार्टी की नीति व कार्य शैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के
उम्मीदवार भी उतारती है। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा कि अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा, क्या आपने क्षेत्र में पूरा समय दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं मायावती ने अपने इस ट्वीट के माध्यम से रितेश पांडे के पार्टी से इस्तीफा देने के मामले और बीजेपी में शामिल होने को लेकर के नाराजगी व्यक्त की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।